नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों के बीच उपस्थित हूँ बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जी हाँ दोस्तों, ऐसे प्रश्न जो CTET एवं सभी राज्यों में आयोजित होने वाली TET परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? इसका उत्तर है वर्गीकरण का सिद्धांत। छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या कहलाती है? छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या कहलाती है? उत्तर है प्रेरणा। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है? उत्तर है इसका बाल केंद्रित शिक्षा। कौन सा तथ्य छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करता है? कौन सा तथ्य छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करता है? उत्तर है शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। समाज का किस स्वरूप से मानसिक स्वास्थ्य कुप्रभावित होता है? समाज का किस स्वरूप से मानसिक स्वास्थ्य कुप्रभावित होता है? उत्तर है जातीय संघर्ष से एवं धार्मिक संघर्ष से। व्यक्तित्व को प्रभावित करने में प्राकृतिक वातावरण की उपेक्षा नहीं की जा सकती, यह कथन किसका है? उत्तर है आगबर्न व नीमकॉफ का। कौन सा तथ्य विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षणों से संबंधित है? उत्तर है गायन, नृत्य और कला। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है? उत्तर है इसका मूल प्रवृत्ति पर। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है? उत्तर है सीखना। AT का निर्माण किसने किया? AT का निर्माण किसने किया? लियोपोल्ड बैलक ने। अवधारणा के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं? अवधारणा के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं रुचि, लक्ष्य एवं अभिवृत्ति। मिश्रित व्यक्ति बुद्धि परीक्षण कहा जाता है? मिश्रित व्यक्ति बुद्धि परीक्षण कहा जाता है विने साइमन बुद्धि परीक्षण। रुचियों का निर्धारण करते हैं? रुचियों का निर्धारण कौन करते हैं? उत्तर है आवश्यकता, प्रतिष्ठा, मूल्य व समझ। SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है? उत्तर है वाटसन। व्यक्तित्व के प्रकारों का विभाजन जिस आधार पर हुआ वह है शरीर रचना, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण। सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है स्तंभाकृति। वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न हो पाने के कारण होती है कहलाती है डाउन सिंड्रोम। बुद्धि की विशेषताएं कौन कौन सी है? जन्मजात शक्ति है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, नवीन परिस्थितियों में सामंजस्य। बुद्धि परीक्षणों का व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण के रूप में परीक्षण किसने किया था? उत्तर है विने व साइमन। आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है? उत्तर है इसका अंतर्मुखी। अगला सवाल है 71 से 80 बुद्धि लब्धि IQ वाले बालक को कहा जाता है अल्प बुद्धि। अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था वन मानुषों पर। फ्राइड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण में होता है वराहम। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास किसके द्वारा किया गया था? उत्तर मरे। क्रियात्मक समूह परीक्षण बैटरी का निर्माण किसने किया? उत्तर है इसका डॉक्टर अलेक्जेंडर ने। यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में ही उच्च होंगे। सृजनशीलता अधिगम में डाइस ने प्रभाव का नियम दिया था? उत्तर है इसका थॉर्न डाइक ने। बुद्धि का क्रमिक महत्व का सिद्धांत किसने दिया है? CVZ बर्ट ने।
प्रथम बीने साइमन बुद्धि परीक्षण की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर है इसका 1905 ईस्वी में। प्रेरणा की प्रक्रिया किसकी अनुपस्थिति में क्रियाशील नहीं हो सकती है? उत्तर है इसका अभिप्रेरक। अभिवृत्ति का निर्माण होता है? उत्तर है इसका भावनाओं, पूर्वाग्रहों एवं विचारों से। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया? उत्तर है इसका युंग। एक शिक्षक का व्यवहार संवेगात्मक अस्थिरता, संयुक्त तथा कठोर अनुशासन को मानने वाला है, इससे उसके मानसिक व्यवहार पर क्या प्रभाव होगा? उत्तर है इसका प्रतिकूल। निम्न में से कौन सा कार्य अभिप्रेरणा द्वारा नहीं किया जाता है? उत्तर है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के संबंध में असंतोष उत्पन्न करना। बालकों की रुचि परीक्षण दिया है? बालकों की रुचि परीक्षण दिया है। उत्तर है स्ट्रॉन्ग तथा कूडर ने। एक व्यक्ति की वास्तविक आयु 20 वर्ष तथा मानसिक आयु 25 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? उत्तर है 125। ध्यान आकर्षित होने में डायस की प्रमुख भूमिका होती है। उद्दीपन की तीव्रता। कौन सी आदतें वैलेंटाइन के वर्गीकरण से संबंधित है? उत्तर है यांत्रिक आदतें, शारीरिक अभिलाषा संबंधी आदतें, नारी मंडल की आदतें। वह जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है? उत्तर है देखना। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है? उत्तर है इसका रुचि। बुद्धि लक्ष्य है और ज्ञान उस सीमा तक पहुंचने का केवल एक साधन, यह कथन किसका है? रॉस। बार हुसैन के अनुसार अभिक्षमता मापन करती है किसकी? उत्तर है अधिगम की संभावित गति का। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान का संबंध मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने और मानसिक असंतुलन को रोकने से है ऐसा कहा गया है। हेडफील्ड द्वारा ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये कहना था वाटसन का। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पूर्व पारंपरिक अवस्था। बहुमानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? उत्तर है थर्स्टन ने। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? उत्तर है बेंडुरा। एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष है तथा उसकी शारीरिक आयु 16 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? उत्तर है इसका 75। प्राणी के व्यवहार को संचालित करने वाली जन्मजात एवं अर्जित प्रवृत्तियों को कहते हैं प्रेरक। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? उत्तर है इसका किशोरावस्था। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है वुंट को। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। सीखने में स्थानांतरण। अभिक्षमता के प्रमुख कितने प्रकार हैं? उत्तर है इसका 2। परसोना शब्द का लैटिन भाषा में क्या अर्थ होता है? बाहरी रूप, रंग या नकली चेहरा। परसोना शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ क्या होता है? बाहरी रूप, रंग या नकली चेहरा। प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम में खेल पर कम तथा अन्य विषयों के शिक्षण पर अधिक ध्यान दिया जाता है, इसका मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उत्तर है इसका प्रतिकूल। वर्ग घटक या संघ सत्तात्मक सिद्धांत किसने दिया था? उत्तर है इसका थॉमसन ने। व्यक्तित्व को निर्धारित करने वाले कारक हैं? उत्तर है जैविक या अनुवांशिक कारक, पर्यावरण संबंधी कारक। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण,
नियमितीकरण किस विधि के सोपान है? उत्तर है इसका आगमन विधि। कौन सी विशेषता अभिक्षमता से संबंधित है? जन्मजात शक्ति, अमूर्त शक्ति व अंतर्निहित शक्ति। उत्कृष्ट बालक की बुद्धि लब्धि होती है 140 से 200 तक। सामूहिक बुद्धि परीक्षणों का जन्म अमेरिका में कब हुआ? उत्तर है प्रथम विश्व युद्ध के समय। संप्रत्यय निर्माण का सोपान है प्रत्यक्षीकरण। कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित है? उत्तर है तत्परता का नियम। बालक के सर्वांगीण विकास में भूमिका होती है मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य की। अभिवृत्ति का परिवर्तन करता है संभव। कौन सा तथ्य अभिक्षमता परीक्षण के संबंधित है? सामान्य अभिक्षमता परीक्षण व विशिष्ट अभिक्षमता परीक्षण। निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? तार्किक विधि। वह मापनी जिसके अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो कहलाती है अनुपात मापनी। सीखने की प्रक्रिया संपादित होती है शिक्षकों से। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर नई अपडेट के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक नई अपडेट्स के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए विदा चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।